जो जनता कर्फ्यू हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, वो जनता कर्फ्यू इसी पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन को रोकने का एक पहला मेजर प्रयास है। अगर देश की पूरी 130 करोड़ जनता उस दिन, सिवाय वो लोग जो इमरजेंसी सर्विसेज पे होंगे जैसे मेडिकल सर्विसेज और बाकी सर्विसेज जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बोला था, बाकी सब लोग अगर अपने अपने घरों के अंदर रहेंगे 7 AM to 9 PM, तो उसके दो फायदे हैं। एक तो मेडिकली जितने भी इन्फेक्टेड लोग हैं जो उस दिन भर घूमते और दूसरों को अफेक्ट करते, वो इन्फेक्शन रुकेगा। एक तो ये डायरेक्ट मेडिकल बेनिफिट है कि उस दिन जो नंबर ऑफ न्यू केसेस जो इन्फेक्टेड लोगों से अनइन्फेक्टेड में इन्फेक्ट होता, वो नंबर डिप होगा एक। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक छोटा फायदा है। इससे बड़ा फायदा शायद जिस वजह से प्रधानमंत्री जी ने इसका आह्वान संडे को किया है कि यह हमारे पूरे देशवासियों के लिए आगे आने वाले हफ्तों में अगर ऐसी जरूरत पड़े तो उसको टेस्ट करने का और उसको टेस्ट करने का एक मौका है। सरकार भी जान जाएगी कि लोग उनके आह्वान को कितना फॉलो कर रहे हैं और लोगों को भी पता लग जाएगा कि आने वाले कुछ दिनों में अगर हमें ज्यादा दिनों के लिए ऐसा करना पड़ा तो घर में हम कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे वगैरह वगैरह।